और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ी जानकारी है। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, केजरीवाल की अर्जी पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सुमित इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब ये कौन सी अर्जी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिसमें अब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए पलक, सीएम केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है। साथ ही सीबीआई केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। दोनों याचिकाओं पर आज फिर से जल्द सुनवाई की मांग सीजीआई की बेंच से की गई थी। अभिषेक मनु सिंह भी, जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने सीजीआई के सामने मामला रखा और सीजीआई से कहा कि 20 अगस्त को ये मामला लिस्टेड है, इसको डिलीट ना किया जाए। जिसके बाद सीजीआई ने आश्वासन दिया है कि नहीं, यह मामला डिलीट नहीं होगा, 20 अगस्त को ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर अब सीएम केजरीवाल की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। 20 अगस्त को केजरीवाल की दोनों याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें पहली जो उनकी मांग है कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी है, जो रिमांड आदेश है, वो गलत है, उसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई है। इसके साथ ही जमानत की भी गुहार लगाई है। दोनों याचिकाओं पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी और हो सकता है कि उस दिन उस मामले पे सुनवाई के बाद कोर्ट इस पूरे मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगे। तो अब ये तय हो गया है कि अगर सीबीआई केस में अगर सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो उनकी रिहाई का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि ईडी केस में पहले ही उन्हें अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है। तो इंतजार होगा जब केजरीवाल की जो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सीबीआई को नोटिस जारी करेगा, सीबीआई का जवाब आने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हो सकता है कि केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत मिल जाए। पलक, क्योंकि सुमित, जब से चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह हो, जब से बाहर आए हैं जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। उनकी जो आश्वास, बहुत आश्वस्त है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इस सबसे अहम बात यही है पलक, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है। सिर्फ सीबीआई केस में उनकी जमानत याचिका जो है पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। साथ ही गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका थी उसे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो दोनों आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हो सकता है कि यह जो पूरा मामला है वो जस्टिस बीआर गवई की बेंच में जाए, जो कि हाल ही में मनीष सिसोदिया को जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने जमानत दी है और के कविता की भी जमानत याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच सुनवाई कर रही है। तो हो सकता है कि केजरीवाल की याचिका भी जो है वो जस्टिस बीआर गवई की बेंच में जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें अगर जमानत मिल जाती है तो सीबीआई मामले में भी उम्मीद जताई जाती है कि जमानत मिल जाए। तो उम्मीद केजरीवाल के वकील को भी है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। सुनवाई होनी है, नजर आप रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।